नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्राइम न्यूज। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन श्री वैभव गहलोत के आबूरोड आगमन पर होटल द रॉयल दतानी पर वरिष्ठ कांग्रेसी एवं पीसीसी सदस्य श्री हीरा भाई अग्रवाल के परिवार द्वारा भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वैभव गहलोत ने आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को जालौर लोकसभा क्षेत्र में विजयी बनाने हेतु कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हिम्मत के साथ लड़ने की अपील की। राजस्थान राज्य अभाव अभियोग निराकरण आयोग के पूर्व चेयरमैन कुखराज पाराशर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जालौर लोकसभा क्षेत्र में करवाए गए अनेकों जनहित कार्यों के चलते कांग्रेस की जीत की राह को आसान बताया। प्रोफेशनल कांग्रेस के आशीष अग्रवाल द्वारा मंच संचालन करते हुए स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मोतीराम कोली, आबूरोड प्रधान नीलाराम गरासिया, पूर्व जिला प्रमुख अनाराम बोराना, उप प्रधान ललित सांथला, हनवंत सिंह आमथला, पिंडवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष अचल सिंह बालिया, परबत सिंह काबा, ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पार्षद भवनीश बारोट, प्रदेश सचिव अजय बंजारा, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष चेतन चौहान, यूथ विधानसभा अध्यक्ष सक्षम भवानी सिंह, हिमपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष ललित बंसल, दीपक अग्रवाल, नारायण सिंह, पंचायत समिति सदस्य मिर्की बाई आदि पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आरसीए के पूर्व चेयरमैन माननीय वैभव गहलोत साहब हमारे बीच में पधार रहे हैं। तालियों के साथ सब लोग स्वागत करें। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सबकी ये टीम मेरे पिताजी माननीय हीरा भाई अग्रवाल जो पीसीसी सदस्य थे, जिन्होंने अशोक गहलोत साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के करीब 40 वर्षों तक काम किया। आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उसे अगले जनरेशन तक लेकर जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम 5 मिनट का मौन रख के उनके नाम की स्मृति के लिए पात्र। इसी तरह पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ सब्सक्राइब का बटन दबाकर